राधे राधे मेरी प्यारी YouTube फैमिली, उम्मीद है आप सभी बहुत ही बढ़िया हो गए। आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ यूपी की फेमस चाय, जो कि हमारे गांव में बनाई जाती थी पहले दादी नानियों के ज़माने में। गांव में भी नहीं, ये अब भी बनाई जाती है, लेकिन इसको बनाने के लिए थोड़ा सा चाहिए टाइम। देखिए, सबसे पहले मैंने पानी ले लिया है। पानी यहाँ पर मैं एक कप डालूंगी। ध्यान रखना है, जितनी आपको चाय बनानी है, दूध का इस्तेमाल करना है, उससे तीन गुना ज़्यादा पानी का करना है। तो यहाँ पर मैं एक कप चाय बना रही हूँ, आधा कप दूध लूंगी, तो मैंने डेढ़ कप पानी डाला है। इसको अच्छे से उबलने दूंगी। उबलने रहा है वो, जब तक मैंने एक इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, 6 से 7 मैंने ली है काली मिर्च। इसके अलावा मैं थोड़ी सी इसमें ले रही हूँ सौंफ, क्योंकि सौंफ जो होती है वो ठंडी होती है, तो जो है बैलेंस बना रहता है जब चाय पीते हैं, तो क्योंकि चाय गर्म होती है। डाइजेशन के लिए इलायची बहुत अच्छी होती है। तुलसी के पत्ते लिए हैं 15 से 20। अच्छा, पहले ये तो नहीं पता था डाइजेशन के लिए क्या अच्छा है, ये क्या अच्छा है, लेकिन काढ़े की तरह चाय को बनाया जाता था। इसको अच्छे से कूट लूँगी अदरक कूटने वाले से। देखिए, ये बोलते हैं ना, पहले के टाइम में डाइट बहुत अच्छी थी, तो आप खुद बताइए, पहले के ज़माने में हर किसी की नहीं कह सकते, लेकिन कहीं गरीबी थी, कहीं अमीरी थी, क्योंकि खेतों पर ही डिपेंड रहते थे। किसी के पास खेती ज़्यादा थी, किसी के पास कम थी, तो रोटियां ही होती थी खाने के लिए, और कुछ नहीं होता था, कोई मतलब ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। तो ये जो काढ़ा की तरह ये जो चाय बना करके पीते थे ना, ये उनकी इम्यूनिटी को मजबूत करती थी। कहाँ बीमारियाँ होती थी इतनी, बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो ये मतलब इम्यूनिटी को तो अच्छा करती थी, साथ के साथ ये बहुत ही टेस्टी भी होती थी। तो मसाले को सारे को अच्छे से महीन पीस लिया है मैंने। महीन पीसने के बाद में इसको डाल देंगे हम पानी में, और पानी में डालने के बाद 15 मिनट तक मैं इसको छोड़ूंगी और 15 मिनट अच्छे से उबलने दूंगी, ताकि ये मसाले का जितना भी रस है वो पानी में आ जाए। देखिए, इस चाय की खास बात यही है, इसमें मसाले को बहुत ही अच्छे से कूट के डाला जाता है, और साथ के साथ इसको उबाला अच्छे से जाता है। 15 मिनट बाद मैं इसमें डाल दूंगी चाय पत्ती। चम्मचें नहीं होती थी पहले के टाइम में, ऐसे ही हाथ से डाला जाता था। अपनी दादियों को, मम्मियों को पूछना कि ऐसे डाला जाता था या नहीं। 10 मिनट छोड़ा है चाय पत्ती डालने के बाद में। 10 मिनट बाद फिर मैं डालूंगी गुड़, और फिर इसको 10 मिनट के लिए उबलने दूंगी। यानी कि 15 मिनट मैंने मसाले के साथ उबाला था, 10 मिनट मैंने उबाला है चाय पत्ती के साथ, 10 मिनट अब, यानी कि टोटल हो चुके हैं 35 मिनट। तो 35 मिनट तक ये चाय उबली है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप दूध। गुड़ जो है वो बिल्कुल ही घुल चुका है। अब मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं उबालूंगी, क्योंकि गुड़ है तो फट जाएगी चाय। बस इतना उबालूंगी कि इसमें एक उबाल आ जाए, ये गर्म हो जाए, क्योंकि दूध डालने से जो है ठंडा हो गया है, तो दूध को अलग से गर्म करके नहीं डालेंगे, वरना वो टेस्ट नहीं आएगा। इसी में डालूंगी, उबाल आ चुका है, चाय जो है गर्म हो चुकी है, बस तैयार है पीने के लिए, सर्व करने के लिए। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। अब कफ़ों में तो सब लोग पीते हैं आज के टाइम में, है ना? तो आप कफ में पीना चाहते हैं, कफ में भी पी सकते हैं, लेकिन ये मैंने चाय बनाई है यूपी स्टाइल में, जैसे वहाँ पी जाती है गांव में, और पहले के ज़मानों में पीते थे तो कफ कहाँ होते थे, कटोरे में पीते थे, बड़ी बड़ी कटोरियों में। उससे क्या होता है ना, चाय ठंडी भी बहुत जल्दी हो जाती थी, और पीने में जो स्वाद उसमें आता है ना, वो कफों में नहीं आता। तो अभी तक आपने वीडियो देखी तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे से और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखना।